पीएम मोदी की रैली में वरुण गांधी क्यों नहीं हुए शामिल, पार्टी में क्या होगा उनका भविष्य, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दिया जवाब। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने मंगलवार को पीलीभीत पीएम मोदी की चुनावी सभा में पीलीभीत सांसद वरुण गांधी के न शामिल होने पर बधाई। लोकसभा सीट से संघमित्रा मौर्य के टिकट कटने के सवाल पर खुलकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कुछ व्यक्तिगत विषयों को लेकर उनके मन में पीड़ा थी, हमने आपस में बातचीत करके समाधान कर लिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने पीलीभीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा में सांसद वरुण गांधी के शामिल न होने के सवाल पर कहा कि संगठन में सभी के अलग अलग दायित्व हैं, हर जगह सभी का रहना आवश्यक नहीं है, पार्टी ने सभी के लिए अलग अलग काम दिया है, उनके लिए कोई और काम सोचा होगा। मंगलवार शाम पार्टी कार्यालय पर चुनाव संचालन समिति की बैठक के बाद मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे थे। बरेली के सांसद संतोष गंगवार को टिकट कटने और समर्थकों के आक्रोश व्यक्त करते ऑडियो प्रसारित होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि संतोष गंगवार पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनसे मिलने गया था, कुछ व्यक्तिगत विषयों को लेकर उनके मन में पीड़ा थी, हमने आपस में बातचीत करके समाधान कर लिया है, बरेली में पूरी पार्टी एकजुट होकर प्रत्याशी के लिए काम करेगी, संतोष गंगवार चुनाव में प्रचार करेंगे, ऑडियो की मुझे जानकारी नहीं है, हाँ कुछ लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया था, बातचीत के बाद सभी सहमत हैं। बदायूं में संघमित्रा का टिकट क्यों कटा, इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यह केंद्रीय चुनाव समिति तय करती है, हर किसी का चुनाव लड़ना जरूरी नहीं है, पार्टी जहां जिसकी उपयोगिता समझती है वहां उपयोग करती है। बीएल वर्मा भी कभी चुनाव नहीं लड़े लेकिन राज्यसभा सदस्य बने और मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि हमने भी चुनाव नहीं लड़ा लेकिन 5.5 साल से मंत्री रहे, संघमित्रा भाजपा का हिस्सा है, उन्हें समायोजित कर सम्मानजनक स्थान दिया जाएगा। संघमित्रा मौर्य को मैनपुरी से चुनाव लड़ाने की चर्चा पर कहा कि इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, केंद्रीय चुनाव समिति की ही निर्णय लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पीलीभीत लोकसभा सीट पर एक बड़ी जनसभा का संबोधित किया जिसमें बीजेपी का तमाम बड़े नेता मौजूद रहे लेकिन वरुण गांधी इसमें शामिल नहीं हुए, जिसे लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पीलीभीत से टिकट काटने के बाद वरुण गांधी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और न ही वो बीजेपी के किसी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान आया है। भूपेंद्र चौधरी मंगलवार को बीजेपी दफ्तर में हुई बैठक में शामिल हुए थे, इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से तमाम सवालों के जवाब दिए। चौधरी ने जब ये पूछा गया कि वरुण गांधी पीएम की जनसभा में शामिल क्यों नहीं हुए तो उन्होंने कहा कि मुझे उनकी जानकारी नहीं है, पीएम मोदी के कार्यक्रम में सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित थे, बड़ी संख्या में लोग माननीय पीएम मोदी का स्वागत किया, पार्टी सबके लिए कुछ ना कुछ काम सोचती है। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि पार्टी ने वरुण गांधी के लिए भी जो भी सोचा होगा वो अच्छा है सोचा होगा, हमारे लिए चुनाव भी अभियान का हिस्सा है, बाकी संगठन के बहुत ऐसे काम है जो लगातार हमारे कार्यकर्ता करते रहते हैं, इससे पहले भी वरुण गांधी को लेकर कहा था कि वो भाजपा के सिपाही हैं और हमारे साथ ही, बीजेपी कार्यकर्ता होने के नाते हमें जो भी जिम्मेदारी मिलती है हम उसे सब मिलकर पूरा करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।